नमस्कार दोस्तों, द की पॉइंट्स यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक बार फिर से हम हाजिर हुए हैं एक नए वीडियो के साथ, और आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन यात्रा के बारे में। दोस्तों, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर नामक जगह पर हुआ था। पिता करमचंद गांधी काठियावाड़ रियासत के दीवान थे, माता का नाम पुतलीबाई था। दोस्तों, महात्मा गांधी का विवाह 13 वर्ष की आयु में कस्तूरबा गांधी से होता है। गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा गुजरात में हुई, उच्च शिक्षा के लिए लंदन चले गए। वहाँ उन्होंने कानून की पढ़ाई पूरी की और सन 1891 में बैरिस्टर बनकर भारत लौटे। 1893 में मुस्लिम व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने दक्षिण अफ्रीका चले गए, जहाँ उन्होंने भारतीयों के साथ हो रहे भेदभाव को देखा। दोस्तों, इसके बाद हम चर्चा करेंगे गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका प्रवास के बारे में। दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान गांधी जी के जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना घटी थी, जिसका उसके जीवन पर बहुत ही प्रभाव पड़ा। तो दोस्तों, ये घटना क्या थी? एक बार वह ट्रेन से सफ़र कर रहे थे और उन्हें पीटर मारिट्सबर्ग स्टेशन पर धक्के मारकर उतार दिया गया, और उन्हें यह कहा गया कि वह पहली श्रेणी के कोच में सफ़र नहीं कर सकते, क्योंकि वह एक अश्वेत व्यक्ति हैं, भले आपके पास टिकट ही क्यों ना हो। इस घटना ने गांधी जी के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला और उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में हो रहे भारतीयों के साथ हो रहे भेदभाव के खिलाफ लड़ने का निश्चय किया, और उन्होंने क्या किया, रंगभेद नीति के खिलाफ आंदोलन शुरू किया। गांधी जी के आंदोलन के फलस्वरूप वहाँ की सरकार ने 1914 तक अधिकांश भेदभाव वाले कानूनों को खत्म कर दिया। यह गांधी जी के जीवन की पहली बड़ी उपलब्धि थी, जिन्हें अहिंसात्मक तरीके से हासिल किया। दोस्तों, इसके बाद गांधी जी भारत के लिए रवाना होते हैं और 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत पहुंच जाते हैं। दोस्तों, भारत पहुंचने के बाद गांधी जी की मुलाकात गोपाल कृष्ण गोखले से होती है, और गोपाल कृष्ण गोखले ने गांधी जी को भारतीय राजनीति से परिचित कराया, इसलिए गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी का राजनीतिक गुरु कहा जाता है। दोस्तों, इसके बाद गांधी जी ने साबरमती नदी के किनारे साबरमती आश्रम का निर्माण कराया, और साबरमती आश्रम का निर्माण कराने के बाद इन्होंने भारत की राजनीति पर धीरे धीरे अपना कदम बढ़ाना शुरू कर दिया। दोस्तों, गांधी जी के द्वारा जो प्रथम प्रमुख रूप से उठाया गया आंदोलन था, वो है चंपारण आंदोलन। दोस्तों, चंपारण का जो आंदोलन है 1917 में किया गया था, उसके बाद 1918 में खेड़ा आंदोलन गांधी जी के द्वारा किया गया। 1918 में अहमदाबाद मिल हड़ताल भी किया गया। तो ये सारे महत्वपूर्ण आंदोलन थे गांधी जी के द्वारा। गांधी जी के आंदोलनों की खास विशेषता यह थी कि उनके आंदोलन अहिंसक होते थे, सत्य के प्रति आग्रह किया जाता था, सरकारी आदर्शों को न मानना, धरना प्रदर्शन करना आदि होता था। दोस्तों, गांधी जी का जो आंदोलन करने का तरीका होता था, क्या होता था, अहिंसात्मक होता था, सरकारी आदेश को बहिष्कार करना होता था, सत्य के प्रति आग्रह करना होता था, धरना प्रदर्शन आदि करना होता था। दोस्तों, इसके बाद 1920 में एक बहुत ही बड़ा आंदोलन किया गया गांधी जी के द्वारा, और इस आंदोलन को क्या कहा जाता है, असहयोग आंदोलन। दोस्तों, असहयोग आंदोलन इतना प्रचलित हुआ कि पूरे भारत में बहुत ही इसका विकराल रूप ले लिया। दोस्तों, असहयोग आंदोलन के दौरान एक घटना घटी जिससे गांधी जी काफ़ी नाराज हुए। तो वह घटना क्या थी, 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चोरा नामक स्थान पर आक्रोशित लोगों ने थाने में आग लगा दी, जिससे 21 सिपाहियों की मौत हो गई, जिससे गांधी जी को बहुत धक्का लगा और उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। दोस्तों, इसके बाद 1930 में गांधी जी के द्वारा और एक आंदोलन किया गया, इस आंदोलन को कहा जाता है सविनय अवज्ञा। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है, ये 6 अप्रैल 1930 को इसकी शुरुआत की गई थी। दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन की खास बात क्या थी, इसमें क्या किया गया, इसमें नमक कानून का उल्लंघन किया गया, सरकारी सेवा, शिक्षा, उपाधियों का बहिष्कार किया गया, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। तो ये सारी चीज़ें सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान की गई। दोस्तों, इसके बाद गांधी जी का जो अंतिम बहुत ही बड़ा आंदोलन था, वो था भारत छोड़ो आंदोलन, यानी कि अंग्रेजों को भारत छोड़वाने के लिए आंदोलन किया गया। इसकी शुरुआत हुई थी 9 अगस्त 1942 को, और दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही गांधी जी ने एक नारा दिया, करो या मरो। और दोस्तों, इसी दौरान द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। तो दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन का भारतीय राजनीति पर बहुत ही गहरा
प्रभाव पड़ा और एक आज़ादी का एक नया रास्ता निकल के सामने आया। और इसी आंदोलन के फलस्वरूप सभी देशवासियों में देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भर गई और सभी अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट हुए। दोस्तों, 30 जनवरी 1948 ईस्वी को गांधी जी की हत्या कर दी गई नाथुराम गोडसे के द्वारा। तो दोस्तों, ये थे गांधी जी की जीवन यात्रा। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कोई नए टॉपिक के साथ। तब तक आप हमारे साथ द की पॉइंट्स में बने रहिए। धन्यवाद।